हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज डिलीशियस डिशेस। आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन फेमस डिश रसम वड़ा। हम इसे रसम भी बना रहे हैं और वड़ा रेसिपी भी बना रहे हैं, दोनों डिश बना रहे हैं। आप इसे गर्मी में भी बना सकते हैं और सर्दी में भी बना सकते हैं। अगर आप इसे सर्दी में बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, सर्दी जुकाम दूर भाग जाएगा। और सिंपल तरीके से हम बनाना सिखा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ली थी 1 कप उड़द की दाल धुली हुई, और इसको अच्छे से वॉश करके इसको 4 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं या पूरी रात के लिए भिगो के रख सकते हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे, और अब हम एक मिक्सी का गिलास लेंगे और इसमें दाल डाल लेंगे। 2 बार में पीस सकते हैं या 1 बार में, मैं 2 बार में पीसूंगी इसे। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 आइस क्यूब। इसे आप ज़रूर डालें, अगर आप दही भल्ले बना रहे हैं या वड़ा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपके वड़े आप बनाओगे बहुत ही लाइट एंड फ्लफी बनेंगे। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, ये आप इसे ज़रूर आजमाएं। तो चलिए हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। हमने थोड़ा सा पीस लिया है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, जिससे कि आसानी से पीस जाइए। चलिए, हमारी दाल पीस गई है और हमने इसको बारीक पीस लिया है। जो हमारी दाल बची हुई है उसे भी हम पीस लेते हैं। हमारी सारी दाल पीस गई है और बारीक पीसी है। अगर थोड़ी सी भी दरदरी रह गई है तो कोई बात नहीं, इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ। अब आप इसको दाल को एक ही डायरेक्शन में इसको फेंट लें, चम्मच से फेंटेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट, उससे पहले भी फिट जाती है हमारी दाल। मैं फेंटूंगी हैंड पीस से और एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है। चलिए फ्रेंड्स, हमारी दाल फिट गई है, लाइट एंड वाइट एंड फ्लफी हो गई है। हम आपको चेक करके दिखाते हैं, थोड़ा सा लेके ये देखिए, ये डूब नहीं रहा नीचे, तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें छोटी 1 चम्मच डालेंगे हम जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच से भी कम है ये। 1 चम्मच हम डालेंगे बारीक कटी हुई मिर्च, ये मैंने मिक्सी ग्लास में पीस ली थी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दें। थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया, हम डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, ग्रेट कर लेंगे इसे। आप इसको मिला लेंगे। चलिए अब हम इसके वड़े बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है, हाथ पे पहले पानी लगा के और फिर इसके बाद हम बनाएंगे, तो इससे बैटर चिपकता नहीं है हाथ पे। आप चम्मच से भी बना सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, और अभी हमने गैस तेज कर रखी है, 2 मिनट बाद हम लो टू मीडियम कर देंगे गैस को। जितने आ सकते हैं हम उतने डालेंगे। अब इसको पलट देंगे और लो टू मीडियम गैस पर ही हम इसको अच्छे से पकने देंगे, जो अंदर से कच्चे ना रहें। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। चलिए, ये हमारे वड़े फ्राई हो गए हैं और अच्छा कलर भी आ गया है, इन्हें निकाल लेते हैं। हमारे 3 बैच में फ्राई होंगे। चलिए अब हम इसे भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। हमारे 1 बैच को फ्राई होने में लगा था 5 से 6 मिनट का टाइम, इसको भी इतना ही टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट का। जब सारे फ्राई हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। और हमारे वड़ा भी बनकर तैयार हो गए हैं, इनको पानी में बिल्कुल नहीं डालना, ये हम सीधा रसम में ही डालेंगे। और ये देखिए हमारे कितने सॉफ्ट अंदर से जालीदार बने हैं, कोई गांठ नहीं, कुछ नहीं, ये देखिए। चलिए अब हम रसम बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रसम के लिए हम थोड़ा सा खड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसमें डाल देंगे हम ओखली सी में, 6 से 7 है लहसुन की कली इसमें डाल देंगे, और 1 छोटी प्याज डालेंगे। हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच काली मिर्च, इसमें जो रसम है वो चटपटा ही अच्छा लगता है। और 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे जीरा, और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया, और इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे, इसको हम ज़्यादा बारीक नहीं कूटेंगे। आप इसमें नहीं कूट सकते तो आप छोटे मिक्सी गिलास में डालकर पल्स मोड पर इसको दरदरा पीस लें, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। तो चलिए पहले हम इसे कूट लेते हैं। ये देखिए हमारा कूट गया है, और हमें ऐसे ही कूटना है, ज़्यादा बारीक नहीं कूटना। चलिए फ्रेंड्स, आज हम रसम बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी को पहले 12 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख दिया था, और फिर इसको उसके बाद हमने इसको निकाल लिया और इसे सूखने दिया, फिर इसके बाद हमने चूल्हे पर रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच मस्टर्ड ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच है ये सरसों के दाने, और ये 4 से 5 हैं लाल मिर्च,
साबुत, और इसमें मैंने थोड़ा सा कटर लगा लिया है जिससे कि फटना जाए तेल में डालते हुए। इसमें डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच उड़द की दाल, इसमें डाल देंगे, और ये मैंने साफ करके डाली है, और एक चौथाई चम्मच हम डालेंगे हींग। अब हम डालेंगे कुछ पत्ते, ये मेरे पास सूखा हुआ कड़ी पत्ता है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे, लास्ट में हम डालेंगे मेथी पाउडर, अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, और ये मैंने एक चौथाई चम्मच से भी कम लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ मसाला, हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे लो गैस पर। ये हमने लिए थे 3 बड़े टमाटर, और इसको मैंने बारीक काट लिया है, और इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे नमक, इससे हमारा टमाटर अच्छे से गल जाएगा। लो गैस पर हम इसको टमाटर को गलाएंगे जब तक अच्छे से गल ना जाए। हमें 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, इसको ढक देंगे, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। हमने ली थी ये 1/4 कप तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, और मैंने इसे नमक डालकर उबाल लिया था, और ये अच्छे से उबल गई है। आप इसको ऐसे ना डालें इसमें, इसको थोड़ा सा मिक्सी गिलास में डालकर सिर्फ 2 सेकंड के लिए पीस लें, ये थोड़ी सी दरदरी हो जाएगी और ये साबुत तो नहीं रहेगी हमारी दाल। ये देखिए हमने पीस ली दाल, कुछ कुछ दाने रह गए हैं, उसको पानी करके ही डाला जाता है। चलिए हमारे टमाटर गल चुके हैं, इसको मैश कर देंगे। साथ के साथ हमने इस पैन में रख दिया है हमने पानी, ये होगा कम से कम 3 से 4 कप, तो इसमें पानी गर्म ही डलता है। ये मैंने ली थी इमली 25 ग्राम, और इसको 2 से 4 घंटे के लिए मैंने ऐसे ही भिगो के रख दी थी हल्के गुनगुने पानी में, और मैंने इसका पल्प छान लिया था, तो मैं इसमें सारा डाल दूंगी। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे जरूर डालें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है रसम में। गैस हम तेज कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया। हम हरा धनिया आप चाकू से भी काट के डाल सकते हैं, और हाथ से भी तोड़ के डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर ज़्यादा ही अच्छा आता है, तोड़ के डालें। इसमें उबाला आ चुका है, अब हम इसमें ये डाल देंगे पिसी हुई दाल। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, जो इसमें हमने इमली का पल्प डाला है, टमाटर डाला है, खट्टे और चटपटे को बैलेंस करेगा। और इसमें हम डालेंगे चटपटे के लिए हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पानी हमारा उबल चुका है, इसमें आ गया उबाला, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। रसम हमारा वाटरी होता है, जितना पतला रखोगे उतना ही टेस्टी लगता है ये। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक हमने जब भी डाला था जब हमने टमाटर गलाए थे। ये देखिए अभी हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, पानी हमें उबला हुआ ही डालना है, पानी हम सारा डाल रहे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया हो गई है। इसमें एक उबाला आ जाएगा, हम उसके बाद हम बंद कर देंगे, ये उबाला आने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा पकाया नहीं जाता, ये ऐसे ही टेस्ट किया जाता है, क्योंकि सब कुछ इसमें हमारा पका हुआ ही है। चलिए इसमें आ गया उबाला, अब हम गैस कर देते हैं बंद। गैस हमने बंद कर रखी है, इसमें उबाला आता रहता है क्योंकि मिट्टी की हांडी है, तो इसमें देर तक उबाला लगता रहेगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये हरा धनिया, हाथ से भी तोड़ के डाल सकते हैं वैसे भी। ये देखिए इसमें अभी तक उबाला आ रहा है, और हमने गैस हमने बंद कर रखी है। तो चलिए अब हमारा रसम वड़ा तैयार हो गया है, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारे रसम वड़ा तैयार हो गए हैं, आप इसको सुबह शाम को भी पी सकते हैं, सूप की तरह पी सकते हैं इसे। अगर आप इसे सुबह सुबह पियोगे सूप की तरह, तो आप सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा। बना के जरूर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम इसमें वड़े डाल देते हैं, आप वड़ों को जब भी डालें जब आपको खाना हो गर्मा गर्म पीजिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको खाना हो जब भी इसमें वड़े डालना, अगर आपने पहले डाल दिए सारे, तो ये सारे ग्रेवी को सोख जाएंगे, और ग्रेवी हमारी हो जाएगी ज़्यादा गाढ़ी। तो इसलिए जब भी आपको खाना हो, जब भी गर्म करना, और जब भी वड़ा डालकर खा सकते हैं। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, ये वैसे सबसे ज़्यादा चावल के साथ खाई जाती है। आप भी बनाना जरूर ट्राई करना, आप इसे बिना वड़े के भी बना सकते हैं, बिना सिर्फ रसम बनाकर आप पी सकते हैं इसे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और कम मसालों में, और वेजिस भी नहीं डलती इसमें। तो ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी डिलीशियस डिशेस रेसिपी के साथ, थैंक यू।